हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं मी नोटबुक अल्ट्रा के बारे में। अगर एमआई ने कुछ लॉन्च किया है तो रियलमी कैसे पीछे रह सकता है। रियलमी अपना एक लैपटॉप लेके आने वाला है, रियलमी बुक स्लिम नाम होने वाला है इसका। उसकी वीडियो हमने बना दी है, कल तक अपलोड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। तो ये जो लैपटॉप आया है बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आया है, बिल्कुल ही मैट फिनिशिंग है, पूरी एलुमिनियम की बॉडी मिलती है आपको इसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके छोटे मोटे छेदों के बारे में, जो कि लेफ्ट साइड को आपको देखने को मिलेगा। इसके तीन चार छेद हैं। तो इसमें दो यूएसबी सी पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक थंडरबोल्ट पोर्ट है, एक एचडीएमआई पोर्ट है, और इसमें एक मिल जाता है आपको यूएसबी 3.2 का पोर्ट। तो राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलता है एक 3.5 mm का गड्ढा, उसके साथ ही देखने को मिलता है यूएसबी 2.0 का गड्ढा। तो मतलब छेदों की कोई कमी नहीं की गई है इस लैपटॉप में, जितने भी छेद होने चाहिए सारे भरपूर मिले हैं आपको, छेद में सारे काम आपके हो जाएंगे। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही काम करना है तो आपको अडेप्टर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ एक जगह नहीं मिल सकती आपको। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इसका डिस्प्ले होना है 3.2K का डिस्प्ले आने वाला है, विथ 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ। और ये जो डिस्प्ले आता है 15.6 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है, और इसके साथ आपको डिस्प्ले के जो पैनल है उसमें आपको एक वेबकैम अलग से अटैच मिल जाता है, जो कि काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए। बाकी बात तो साइड में, इसका जो डिस्प्ले है मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया इसका डिस्प्ले, क्योंकि 3.2K डिस्प्ले लैपटॉप में, वो भी मतलब एक्सटर्नल मॉनिटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को, सारा काम इसी से हो जाना है आपका। तो डिस्प्ले से उतर के थोड़ा कीबोर्ड की तरफ आते हैं हम। जो इसका कीबोर्ड आता है फुल साइज कीबोर्ड होने वाला है, एक बड़े से ट्रैक पैड के साथ आने वाला है। इसमें जो की डिस्टेंस है वो भी काफ़ी अच्छा मैनेज किया गया है, इसमें आपको इसमें नम पैड नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से की का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस लैपटॉप में। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलती है, जो कि है फिंगरप्रिंट बटन, से बेसिकली आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। इसका डिज़ाइन और इसका कीबोर्ड देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये मैकबुक नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही मैकबुक की तरह लगता है। फुल टू फुल कॉपी की गई है मैकबुक की। मुझे कॉपी से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ 1-2 लाख की चीज़ मिल रही है वही आपको चीज़ सस्ते में मिल जाएगी 50-60 हज़ार में, तो क्या ही दिक्कत आ रही है भाई। वैसे मैंने काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट देखे हैं जो कि शाओमी बनाता है या मी बनाता है अपनी तरफ से, काफ़ी हद तक एप्पल से इंस्पायर होकर बनाता है, जो कि लुक एंड फील वाइज काफ़ी सेम होता है। वैसे दोस्तों, एमआई ना अब इतना कार पे भी काम कर रही है, अगर वो जो कार बनाएंगे ना भाई, वो कार जो देखने वाले कार होने वाले हैं। क्योंकि मोबाइल फ़ोन जितने भी चीज़ें आती हैं, जितने प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं अपने यहाँ पे, वो सारे के सारे काफ़ी हद तक एप्पल से इंस्पायर होकर बनते हैं। तो जो कार बनाएगी ना शाओमी, वो देखने वाले कार होंगे, कहीं वो मस्टैंग, फरारी, लैम्बोर्गिनी, इससे इंस्पायर होकर जो कार बनाएंगी, तो भाई देखने लायक कार होने वाले हैं अपने पास। क्योंकि वो जो चीज़ें इतनी महंगी होने वाली है, वही आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा सस्ते में सेम लुक एंड फील वाली चीज़ें मिल जाएंगी, अगर ये शाओमी ऐसा करता है तो, जो कि मुझे लगता है ऐसा ही करने वाला है ये भी। और अगर ऐसा हो गया तो टाटा नैनो और ऑल्टो जैसी कार को कोई भी नहीं पूछने वाला है, सब के सब इसी कार को लेने वाले हैं एमआई की तरफ से जो आने वाला है। वैसे मजाक की बात साइड में, लेकिन इसका जो कीबोर्ड है और इसका जो टच पैड है, वो काफ़ी सारे लैपटॉप से मैंने ज़्यादा अच्छा देखा है इसमें, क्योंकि काफ़ी अच्छा चलता है इसका कीबोर्ड और इसका टच पैड। इसका टच पैड थोड़ा बड़ा भी है, इस हिसाब से थोड़ा आप मतलब पूरे हाथ लगा के यूज़ करके डीजे वीजे बनाना चाहो तो यहीं से बजा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको, इसमें फुल इंजॉयमेंट कर सकते हो इसके साथ। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। ये जो हमारे पास जो वेरिएंट है, इसमें जो प्रोसेसर मिलता है आपको i7 11th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, और साथ ही जो इसका रैम है 16 GB का रैम है और 512 GB की स्टोरेज है इसमें। अगर आप 16 GB ना लेके 8 GB वाला लेते हैं तो आपको i5 11th जनरेशन सेम स्टोरेज के साथ मिल सकता है, 512 GB स्टोरेज के साथ, जो कि उसे थोड़ा सस्ता पड़ेगा। इसमें जो बैटरी है 70 Wh की बैटरी है, जो कि Xiaomi क्लेम करता है कि 12 घंटे आपका आराम से चल जाएगा, पर ये जो है 8 से 10 घंटे में ही फुल मस्त नींद मार के सो जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत काम वाम करते हो तो। क्योंकि हम लैपटॉप चला के रखने के लिए तो लेते नहीं हैं, ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ काम करेंगे, और जो हम काम करेंगे तो ये 12 घंटे कहीं से भी नहीं जाने वाला है। वैसे आपको इसमें 65 वॉट का चार्जर भी दिया जाता है, जो कि आपके लैपटॉप को 45 मिनट में 50% चार्ज कर देगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, 50% 45 मिनट में चार्ज हो जाएगा, बाकी 50% का क्या? बाकी 50% कैसे चार्ज होगा? तो ये बाकी 50% चार्ज होने में आपका 1 से 1.5 घंटा आराम से ले जाएगा ये लैपटॉप। मल्टीमीडिया की बात करें तो यहाँ पर शाओमी ने काफ़ी अच्छा डिस्प्ले प्रोवाइड किया है, और उसी के साथ आपको 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिल जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से और बेटर हो सकता था इस रेंज में। चलिए बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। इसमें आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है और Bluetooth 5.2 का सपोर्ट मिलता है, और इसका जो OS होने वाला है दोस्तों, ये अभी विंडो 10 पे ही होने वाला है, साथ के साथ आपको इसमें विंडो 11 का अपडेट मिलेगा जल्दी।
तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।